नमस्कार बच्चों बच्चों आज हमारा विषय है हिंदी। हिंदी विषय में आज हम करेंगे कक्षा सातवीं में पाठ नंबर 10। तो पाठ नंबर 10 की हमारी कविता है, कविता का नाम है मानवता को बचाना होगा, मानवता को बचाना होगा। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि पहले पद्यांश में देखेंगे, हिंसा क्रोध घृणा के घनघोर। हिंसा होता है बच्चों, हिंसा किसी को हानि या किसी का बुरा ना बुरा करना। क्रोध, क्रोध होता है गुस्सा, घृणा आ गया नफरत, घनघोर आ गया घने। तो कह रहे हैं हिंसा क्रोध घृणा के घनघोर अंधेरे में दीपक जलाना होगा। कवि कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि ये जो हिंसा क्रोध घृणा, ये जो नफरत फैली हुई है, ये मारपीट हो रही है, गुस्सा जो लोगों में बढ़ गया है, ये जो घनघोर, इसके गुस्से के घनघोर बादल जो छाए हुए हैं, जो घनघोर अंधेरा बन गया है, अंधेरे में दीपक जलाना होगा। इस घनघोर अंधेरे में एक आशा रूपी दीपक जो है वो जलाना होगा। करके प्रेम का शंखनाद, शंखनाद होता है शंख की ध्वनि। करके प्रेम का शंखनाद, प्रेम रूपी शंख बजाकर, प्रेम को, प्रेम का प्रचार करके, प्रेम का शंख बजाकर मानवता को बचाना होगा। मानवता होता है इंसानियत, मनुष्यता। जो लोगों के अंदर हिंसा क्रोध और घृणा भर गई है, उसको प्रेम रूपी शंख से उसमें मानवता का दीप जो है वो जलाना होगा, अर्थात लोगों को मानवता का अर्थ बताना होगा। अब दूसरे पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, शहर शहर गांव गांव में इंसानियत का जो धर्म लुटा है, जो शहरों और गांव में लोगों के बीच जो इंसानियत खत्म हो गई है, जो मानवता खत्म हो गई है, सौहार्दता, सौहार्दता होती है मैत्री, मित्रता, सद्भावना, सौहार्दता के निर्मल तन पर शैतानों का जो हजूम जुटा हुआ है, जो मित्रता जो लोगों में खत्म हो चुकी है, उसकी जगह जो मित्रता के नाम पर शायद लोग शैतान बन गए हैं, जो छल कपट करते हैं, उसे एकता और स्नेह की ताकत से, एकता और स्नेह, स्नेह मीन्स प्रेम की ताकत से इन हैवानों को भगाना होगा। हैवान होते हैं राक्षस, इन राक्षसों को भगाना होगा, प्रेम से, एकता से, स्नेह से इन राक्षसों को भगाना होगा। करके प्रेम का शंखनाद मानवता को बचाना होगा। अंत में कवि फिर यही कह रहे हैं कि प्रेम रूपी शंख बजाकर लोगों के अंदर मनुष्यता का भाव जो है वो जगाना होगा। अब तीसरे पद्यांश में देखेंगे, भूख प्यास का अधर चला है, अधर होता है आंधी। ये जो भूख प्यास की आंधी चली हुई है, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। खेतों के लहराने पर भी, अब खेतों में इतनी ज्यादा फसल लहरा रही है, उसके बाद भी लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। आपस में जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अनाज होने के बावजूद भी लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। देशभक्ति के गीत गाने पर भी, देशभक्ति के गीत गाने पर भी लोगों के अंदर भूख प्यास जो है वो, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। उन्हें प्रेम से उनको समझाना होगा, मन के मैल को दूर करके, उनके मन के मैल, उनके मन में जो मैल बसी हुई है, जो उनके अंदर छल कपट है, उन्हें राष्ट्र का अर्थ समझाना होगा। उन लोगों को राष्ट्रता का अर्थ जो है वो समझाना होगा। करके प्रेम का शंखनाद मानवता को बचाना होगा। कवि कह रहे हैं कि प्रेम रूपी शंख बजाकर लोगों को मानवता का, मनुष्यता का, उदारता का अर्थ जो है वो बताना होगा। अब देखेंगे अंतिम पद्यांश में कवि कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, अज्ञानता, अशिक्षा, नारी दमन। अज्ञानता होती है ज्ञान का अभाव, अशिक्षा शिक्षा में कमी, नारी दमन नारियों को रोकना, ठीक है, नारियों के साथ अत्याचार करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना। समाप्त करें इन बुराइयों को, कवि कह रहे हैं कि इन तीनों बुराइयों को समाप्त करना होगा। भाईचारे और राष्ट्रीय अखंडता, भाईचारा, लोगों के अंदर भाईचारे की भावना पैदा करना, मित्रता की भावना पैदा करना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, और राष्ट्रीय अखंडता, अखंडता होता है खंडित ना करना, राष्ट्रीय की अखंडता हेतु लाना होगा इन अच्छाइयों को, इन अच्छाइयों को जो है वो भाईचारे और राष्ट्रीय अखंडता जैसी अच्छाइयों को फिर से वापिस लाना होगा। शिक्षा ज्ञान का भंडार, हमें जो शिक्षा और ज्ञान का भंडार है अपनी मेहनत से बढ़ाना होगा। हमें फिर से ये जो
शिक्षा और ज्ञान का भंडार है, इसको हमें अपनी मेहनत से बढ़ाना होगा। करके प्रेम का शंखनाद मानवता को बचाना होगा, प्रेम रूपी शंख बजाकर मानवता को बचाना होगा। तो इन चारों पद्यांशों में कवि कह रहे हैं कि जो लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, जो लोगों के अंदर भाईचारा खत्म हो गया है, जो लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, वैर विरोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको इंसानियत का शंख बजाकर, प्रेम का शंख बजाकर इंसानियत का भाग जो है वो समझाना होगा, लोगों के अंदर राष्ट्रीय उदारता का अर्थ समझाना होगा। धन्यवाद।